किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों 28 जनवरी को मैंने एक बेड लगाया था केचुआ खाद का, उसमें सबसे नीचे की जो सतह थी उसमें मैंने नीम के पत्ते डाले थे, उसके बाद उसमें मैंने जो मेरे फार्म की जो घास है सड़ी हुई, जो करीब 2 महीने से सड़ाई हुई थी, उसमें कुछ भूसा जो बेकार भूसा था उसको मिलाकर डाला था, उसके ऊपर गोबर डाला मैंने और गोबर और भूसे को मैंने अच्छी तरह मिलवा दिया था, उसके बाद फिर गोबर डाला और गोबर के बाद उसमें 28 जनवरी को मैंने केचुए छोड़े। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी क्या हालत है और कितनी प्रोग्रेस है और कैसी प्रोग्रेस है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट के रूप में अपनाया था कि पहले मैं देखता हूँ कि बड़ी यूनिट लगाने से पहले मैं इसको करूँ या ना करूँ। ये देखिए कितनी साफ हो गई। कमरपाल इधर को दिखाओ, यहाँ बहुत थे थोड़े से केचुए। ये देखिए ये बस 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 भैया देखिए कितने केचुए हैं। छोड़ ये देखिए, तो किसान भाइयों लगभग 25 दिन बाद मेरे हिसाब से जो मेरा अनुमान है लगभग आधा काम पूरा हो चुका है खाद का, और अगले 25 दिनों में यानी 20 मार्च तक मेरा खाद या 25 मार्च तक या अधिकतम लगा लीजिए 30 मार्च तक मेरा खाद पूरा तैयार होगा। कुछ किसान भाइयों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि हमें केचुए नहीं मिल रहे हैं, केचुए कहाँ से मिलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने आसपास जाइए और केचुआ खाद अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो इंडिया मार्ट पर बहुत सारे ऑनलाइन सेलर मिल जाएंगे, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको बड़ा अचंभा होगा कि कोई 300 रुपये किलो कहेगा, कोई 400 रुपये किलो कहेगा, कोई 500 रुपये किलो कहेगा, लेकिन 1 किलो में वो केचुए नहीं देते, नहीं कोई आपको उनकी मात्रा बताएगा कि 1 किलो में कितने केचुए होंगे। वो क्या कहते हैं कि केचुआ गोबर के बिना नहीं रह सकता और हम गोबर की साथ तोलते हैं। 1 किलो अगर आप केचुए खरीदते हैं तो उसमें शुद्ध रूप से 200 से 250 ग्राम ही केचुए होंगे, बाकी खाद होगी गोबर। तो इस प्रकार की एक यूनिट में लगभग 5 किलो केचुए आपको चाहिए, और 5 किलो केचुए के लिए आपको कम से कम 2500 रुपये तक आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, एक मेरे जानने वाले थे नर्सरी वाले, वो केचुआ खाद बनाते हैं, उन्होंने मेरे को रॉ केचुए दिए हैं, यानी सिर्फ केचुए निकाल कर तोल कर दिए हैं, और मेरे को 1200 रुपये प्रति किलो पड़े हैं। किसान भाइयों केचुए का सबसे बड़ा फायदा खाद बनाने में है, और इनकी सबसे अच्छी खासियत है कि इनकी उम्र केवल 80 दिन होती है, यानी एक केचुआ पैदा होने के बाद केवल 80 दिन जीवित रहता है। और ये अगर जो मैंने एक केचुए डाले 24 घंटे में 4 से 5 किलो खाद खाकर उसको पचा देते हैं, मतलब उसका मल बना देते हैं। दूसरा क्या होता है कि केचुआ, एक केचुआ अपने जीवन काल में 2 से 3 अंडे देता है, और प्रत्येक अंडे से कुकून जिसे बोलते हैं उस कुकून से 3 से 4 केचुए निकलते हैं, यानी 45 से 60 दिन के अंदर आपको लगभग कम से कम 2 गुनी मात्रा में केचुए मिलेंगे और अधिकतम 3 गुनी मात्रा में भी मिल सकते हैं। तो अगर ये मैंने एक यूनिट लगाई है तो अगली यूनिट में मेरे ये केचुए 3 यूनिट के बराबर हो जाएंगे मेरे पास में, और उसके 60 दिन बाद 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24 आप कितना भी कर सकते हैं। अगर आपको कम यूनिट रखनी है तो अपने आसपास इनको बेच भी सकते हैं। देखिए प्रकृति का कितना अच्छा नियम है, जो केचुए आए थे उससे ज़्यादा वो आपको देकर जा रहे हैं। अगर 1 किलो खरीदे थे तो कम से कम ये 2 किलो हो जाएंगे, तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे और खाद का खाद मिलेगा। तो किसान भाइयों ये था मेरा एक्सपेरिमेंट केचुआ खाद का, लेकिन ये मैंने शुरू किया है अभी। मेरा रॉक फॉस्फेट शायद आज सहारनपुर आ गया है,
रॉक फॉस्फेट इसमें 25% जो मेरी मात्रा गोबर और पत्तियों की और भूसे वगैरह की है उसमें 25% मैं रॉक फॉस्फेट मिलाऊंगा और तब मेरा होगा प्रोम तैयार। प्रोम क्या होता है? फास्फोरिक रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी एक ऐसी गोबर की खाद जो फास्फोरस से भरपूर है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा तो है ही लेकिन फास्फोरस की पूरी मात्रा है और इसीलिए इसे डाई का सब्स्टिट्यूट, डाई की जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि डाई से काफ़ी सस्ता है। तो जैविक खेती में इसका बहुत महत्व है और किसान भाइयों इस पर आपको अगर कोई संशय हो, कोई आपकी जानकारी और चाही गई हो तो मैंने यूट्यूब पर एक वर्मी कंपोस्ट नाम से ग्रुप बनाया है, कृपया अपना क्वेश्चन उसमें लिखिए ताकि जो और लोग हैं वो उसको देख सकें और शेयर कर सकें। एक बात मैं और बताऊंगा, किसान भाई मेरे को आजकल काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है उनके फ़ोन रिसीव करके, लेकिन कभी कभी जो नंबर मैंने दिया हुआ है वो दिन में एक्टिव नहीं होता। तो आप अपना जिस वीडियो को देख रहे हैं उसमें लिख दें, अपना नंबर दे दें और नाम ले दें कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। किसान भाइयों आश्वस्त रहिए कि मैं उसी दिन कोशिश करूँगा कि उनसे बात करूँ और मैं अवश्य, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की देरी होगी वरना मैं 24 घंटे के अंदर आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। तो कमेंट में आप अपना नाम और फ़ोन नंबर दे दीजिए, इससे आपको भी कोई असुविधा नहीं होगी और मुझे आपकी सहायता कर बड़ी प्रसन्नता हो। आज के लिए इतना ही। किसान भाइयों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अगर आपने किसी और किसान भाई को जानते हो तो उसके साथ शेयर करें और अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और उसके बाद जो एक घंटी आएगी उसको दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।